कहत कबीर न गर्व कर ना किसी की हंसी उड़ा, अभी तुम्हारी भी नैया समुद्र में जाने कब क्या हो जाए। हमेशा इंसान को अपने कर्तव्य करते रहने चाहिए, समय का कोई भरोसा नहीं होता। हमेशा आपकी मेहनत जो है अपने कर्मों की तरफ होनी चाहिए, यही जीवन है बच्चों। बहरहाल हम रिज़ल्ट की चर्चा कर रहे थे, यानी हमारी जो डेरिवेशन होती है ट्वेल्थ क्लास की, उनके जो रिज़ल्ट आते हैं उनके बारे में हम जान रहे थे कि उनका फार्मूला क्या होता है, उनकी डेरिवेशन का रिज़ल्ट क्या आया था, उनके डायग्राम्स क्या हैं, उनके डायग्राम्स के पीछे में बेसिक बुनियादी बातें क्या हैं जो कि आप लोगों को अपने एंट्रेंस एग्जाम में बहुत काम आती हैं। तो अपने ग्रंथ वाली कॉपी उठा लीजिए, अपने ग्रंथ वाला पेन उठा लीजिए और अपने नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक है आपका फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग क्लोज्ड कॉइल प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी करंट कैरिंग क्लोज कॉइल लेंगे, उसे उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क कितना आता है, वो कॉइल घूमती है क्योंकि, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। टॉर्क वेक्टर फॉर्म में कैसे होती है, उसकी ऐसा यूनिट्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें बतलाए जाएंगे। 90 डिग्री पे क्या होता है, तो जो कि आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम में काम आएंगे। छोटे छोटे नोट्स हैं जो कि आपको अलग कॉपी में बनाने हैं। बहरहाल थ्योरेटिकल क्लास में इन टॉपिक पे हम चर्चा कर चुके हैं, तो सारे बच्चे अपनी कॉपी उठा लीजिए। स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। हमारी क्या डेरिवेशन, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग क्लोज कॉइल प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहले हम डायग्राम की बात करेंगे, तो फील लीजिए, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है मैग्नेट का, आराम से देखिएगा। और यहाँ पे क्या है, करंट कैरिंग क्लोज्ड कॉइल, नाम ले लीजिए, ए है, बी है, सी है, डी है, इसमें करंट जा रहा है, ठीक है। तो ये आई मीन्स हो गया करंट। अब फील लीजिए, यहाँ पे बना लीजिए आई आई आई। यहाँ पे क्या है, अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन की, तो वो होती है नॉर्थ से साउथ। ये बी की डायरेक्शन की बात हो रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कभी भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर रखा हुआ है, ये रखा है कंडक्टर, ये रहा, और इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करंट जा रहे हैं, और ये बी हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें फोर्स लगती है। उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा, वेयर एल क्या है, एल क्या है, लेंथ वेक्टर, और लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की होती है। और यह थीटा क्या है, एल और बी के बीच का एंगल होता है, यानी एल यानी लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है थीटा। एल की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की होगी, ये आपको बेसिक बुनियादी बातें पता होनी चाहिए। अब फिर लो, यहाँ पे एक टुकड़ा है ए बी, आराम से देखो, पहले डायग्राम को ही समझेंगे। एक टुकड़ा है ए बी, एक टुकड़ा है बी सी, ये रहा बी सी, ये बी सी ले लिया। एक टुकड़े का नाम क्या आपका सी डी, तो यहाँ से मिटो देते हैं थोड़ी देर के लिए, चुन्नी कहाँ है हमारी, एक टुकड़ा आपका क्या बी सी, तो यहाँ लिख लो बी सी, ये रहा, ये यहाँ लिख लो, चलो एक काम करते हैं, रुको रुको, ए बी बी सी यहीं लिख लेते, चलो ये क्या आपका सी डी, तो सी डी ये रहा, और एक टुकड़ा क्या है डी ए, तो ये रहा आपका डी ए। आराम से देखिए, ए बी वाले टुकड़े में करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी एल की डायरेक्शन भी ऊपर ही होगी, ठीक है भैया, एल की डायरेक्शन भी ऊपर ही होगी, मैं एल दिखा रहा हूँ, ठीक है, लेंथ वेक्टर। अगर बात करें आई की डायरेक्शन इधर है, तो बी सी वाले टुकड़े में तो आपकी लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, ठीक है भैया। बताओ सी डी वाले टुकड़े में करंट नीचे है, तो एल की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे ही होगी, ये होगी आपका लेंथ वेक्टर। अगर करंट इधर है, तो यहाँ पे इस वाले टुकड़े में भी लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन इधर ही होगी, एक बात होगी। अब फिलो में पता है थीटा किसके बीच का एंगल होता है, फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा होता है, और थीटा जो है एल और बी के बीच का एंगल होता है। तो फिलो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से ऐसे जा रही है, तो यानी कुछ ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, देखो ऐसे जा रही है बी, यानी बी आपका इधर है। बताओ बी और एल के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी यहाँ पे थीटा कितना आएगा 90 डिग्री। अगर बी सी वाले पोर्शन को देखो, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है ही और एल भी इधर है, तो थीटा कितना 0 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में। अगर यहाँ की बात करें, ये नीचे और मैग्नेटिक फील्ड कैसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये बी ऐसे जा रही है, बताओ दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल, 90 डिग्री। और यहाँ की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है बी, और ये इधर आ रहा है, तो थीटा कितना 180, क्योंकि अपोजिट है, ये इधर तो वो इधर, तो यहाँ पे कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री। ये बेसिक बुनियादी बातें थी सिर्फ डायग्राम की, जो कि आपको थ्योरेटिकल क्लास में बतलाई गई थी। बात करें इसके रिजल्ट की, इसका फॉर्मूला क्या आया था, तो सेकंड नोट उसके रिजल्ट क्या है में डालो, तो नोट नंबर सेकंड, यानी फॉर्मूला, फॉर्मूला देखें तो टॉर्क इज इक्वल टू में आई ए बी साइन थीटा आया था जब ये कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करती है तब। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें, या फिर एक काम करो यहाँ पे लिख लो एक केस, ये एन इज इक्वल टू वन केस में, यानी सिर्फ कॉइल ने एक टर्न लिया है, पर मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हो जाए, एक से तीन चार पाँच बहुत सारे हो सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई ए बी साइन थीटा, एन इज मोर देन वन। बहरहाल
इंपॉर्टेंट ये है, इस वाले टर्म को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम कैपिटल एम से भी नोट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख लो, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे आई ए क्रॉस बी। एक इंपॉर्टेंट नोट थर्ड डाल लीजिए, अगर हम बात करें डायमेंशन की, डायमेंशन की, तो टॉर्क का डायमेंशन क्या होता है देख लो, एम एल टू टी माइनस टू, जो कि आपको आना चाहिए। आप चाहो तो इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो या एफ इन टू आर से भी निकाल सकते हो। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर, क्योंकि आपको पता है एफ इन टू आर होता है, तो एफ की होती है न्यूटन और आर की होती है मीटर। अगर फोर्थ पॉइंट का जिक्र करें तो आप लोग और भी चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। देखो थीटा इज इक्वल टू 90 है, तो जैसे ही 90 यहाँ डालोगे तो साइन 90 इज 1, टॉर्क कितना आएगा मैक्सिमम, कितनी आएगी वैल्यू उसकी, आई ए बी, ये वैल्यू आ जाएगी उसकी। 0 डिग्री लोगे इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री होगा तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, यहाँ से हटा दोगे वैल्यू क्या आएगी आपकी, सीधे ये दोनों वैल्यू यहाँ डालोगे तो साइन 0 और साइन 180 0, तो पूरी वैल्यू क्या होगी 0। तो टॉर्क आप कितना आएगा, यहाँ लिख लो पूरा, टॉर्क मिनिमम होगा कितना होगा 0, यानी 0 डिग्री पे भी 0 और 180 पे भी 0, 90 पे मैक्सिमम। बहरहाल ये एक बात है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना, यहाँ पे एरिया भी है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, देखिए दिखा देते हैं आपको। जब मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं कैपिटल एम की, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन आई ए, ये होता है। यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में ये भी निकालने के लिए आता है, देखो आई तो ठीक है कॉइल में जाने वाला करंट, एन भी ठीक है, ए एरिया है, अलग अलग शेप हो सकती है, टॉर्क का फॉर्मूला शेप ही रहेगा, यानी सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसे गोल आ गया, तो गोल आ गया इसका रेडियस आर है, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, हम जानते हैं, यहाँ लिख लो पाई आर स्क्वायर, एरिया पूरा डाल के ऐसे पाई आर स्क्वायर। अगर मान लीजिए शेप ऐसी ना हो, शेप ऐसी हो कुछ, यहाँ दिखाते हैं आपको, शेप मान लो ये होगी, ये भी ए ये भी ए ये भी ए, तो एरिया क्या होगा इतना, भैया आपको सारे बच्चों को आता हो रूट थ्री डिवाइड बाई फोर इंटू साइड स्क्वायर। चलो ये शेप में जाओ, शेप अगर ऐसी आ जाए तो, हेक्सागन आ जाए तो, ये ए है 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 और ये भी ए है, तो बताओ एरिया कितना होगा भाई, थ्री रूट थ्री साइड स्क्वायर डिवाइड बाई टू, यानी जो भी शेप आएगी वो वैल्यू यहाँ डालोगे एरिया की, और आप एम निकाल लोगे, एम आ जाएगा तो अपने आप ही टॉर्क आ जाएगा, थीटा आपको पता लग ही जाएगा, क्वेश्चन में गिवन होता है। तो इसी प्रकार के छोटे छोटे नोट्स होते हैं इस वाले टॉपिक के, जो कि आपको आने चाहिए। आई क्या है करंट, ए क्या है एरिया ऑफ द कॉइल, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको पता होने चाहिए, एल क्या है लेंथ वेक्टर, लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की होती है। तो ऐसे ही छोटे छोटे नोट्स जो है बच्चों आपको अपने एंट्रेंस में बहुत काम आएंगे, ऐसी और भी रिजल्ट होंगे जो कि आपको हम नेक्स्ट क्लास में बतलाएंगे। तो इन्हीं सारी बातों के साथ में आज की क्लास करते हैं समाप्त। धन्यवाद सभा के बच्चों, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा।